स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई। मैं रेनू, बायोलॉजी टीचर। तो हम अपना जो नाइन्थ क्लास का बायो है वो पढ़ रहे हैं। तो उसमें देखिए, हमने जो कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, क्या नाम था जिसका? कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ। मीन्स हम यहाँ पे लाइफ से रिलेटेड जो भी थ्योरिया लोगों ने बनाई है, वैज्ञानिकों ने बनाई है, उन सबके बारे में पढ़ रहे थे कि जो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले क्या चीज़ें बनी, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो सब चीज़ें हम पढ़ रहे थे। तो देखिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसमें देखिए हम जो सजीव निर्जीव थे उनमें डिफरेंस पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सभी लोगों ने पृथ्वी का जो ओरिजिन था उससे रिलेटेड क्या क्या सबने अलग अलग थ्योरी बताई, उन थ्योरीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ये कि जो पृथ्वी के जैसे अंतरिक्ष के अंदर जो सारे ग्रह हैं उनकी पृथ्वी से क्या समानता है, या फिर उन सब पे दूसरे ग्रहों पे जीवन किस प्रकार से पॉसिबल है, नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम इसका नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इसको हमने क्या नाम दिया है कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना। और देखिए, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा जो जितने भी ग्रह हैं उन सब पे कैसे कैसे लाइफ पॉसिबल है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, है तो क्यों है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हब्बल नामक एक वैज्ञानिक, उन्होंने बताया, तो उन्होंने इस पूरी चीज पे एनालाइज किया और उन्होंने बताया कि जो अंतरिक्ष है वहां से अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, बहुत सारे वहाँ पे तो आकाश गंगा है, ग्रह सब कुछ प्रेजेंट है। तो ये क्या बताते हैं कि वो सारे जो आकाश गंगाएं हैं वो सब क्या है, वो एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, वो सब एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, वो सब धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो वो क्या हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो सब दूर हो गए, तो इस कारण से कोई भी जो ग्रह होता है वो क्या है, किसी भी प्लेनेट पे जो लाइफ का यानी किसी के ऊपर भी जीवन के पॉसिबल है ही नहीं। तो हम उन सारे ग्रह के बारे में देखेंगे क्यों नहीं है। देखिए, कुछ तो ग्रह ऐसे हैं जिनका क्या है, ताप बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है वो ज्यादा है, किसी का क्या टेम्परेचर बहुत कम है, हाई टेम्परेचर है तो वैसे ही पॉसिबिलिटी नहीं है, कम टेम्परेचर है तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और पृथ्वी का जैसा जो एनवायरनमेंट है वो किसी पे मिल नहीं रहा है। तो इसी कारण से क्या हो रहा है, लाइफ के ओरिजिन से रिलेटेड कोई भी जो प्रूफ है वो नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, इसमें हम बारी बारी से सारे जो जितने भी जो ग्रह हैं उन पे कैसे कैसे लाइफ पॉसिबल नहीं है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, हम जो सूरज से हम इनकी दूरी देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, बुध आता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन से ग्रह के बारे में, बुध ग्रह के बारे में। देखिए, आप जब एसएस में भी पढ़ते हैं और वैसे भी साइंस में भी आता है ये कि सूर्य से दूरी के साथ सबसे पहला कौन सा आता है, बुध आता है। तो पहले मैं एक बार वो सिचुएशन देख लूँ, फिर हम बारी बारी से उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो देखिए, पहले एक और ग्रह था, नौ बताए थे उस टाइम, तो क्या थे कि जो यम था वो भी इंक्लूड होता था, लेकिन अब क्या हो गया, उसको हटा दिया गया है। अब ये ग्रह हैं बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और ये सब किसके बेसिस पे हैं, ये सूर्य से दूरी के आधार पे है, ठीक है, इससे कि कौन कौन सा है। तो इसी तरीके से जितना जितना दूर है उसी हिसाब से उनके ऊपर लाइफ पे कैसे पॉसिबिलिटीज हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सूरज के पास कौन सा ऐसा बुध है, तो ये फर्स्ट तो इसका क्या हो गया, सूर्य के सबसे निकट, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, आप खुद देख रहे हैं सूर्य के सबसे पास कौन सा है, बुध है।
तो देखिए जब सूरज हमारी पृथ्वी पे आता है, इसकी जो रोशनी है वो यहाँ तक पहुँचते है, तब हमें इतना गर्म लगता है, इतनी गर्मी फील होती है। तो जब ये बुध इसके सबसे ज़्यादा पास है तो इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो क्या है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर कैसा है? हाई है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो वैसे सर्वाइव नहीं कर सकता पर्सन, कोई भी जो ह्यूमंस है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो भी जीव जंतु हैं वो सब वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इस पर तो क्या हो गया, इस पर तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। लाइफ पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये तो बात हो गई फर्स्ट कौन से, बुध की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शुक्र। देखिए शुक्र ग्रह जो होता है इस पे क्या बताते हैं, इसके बारे में क्या उदाहरण है कि इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड उसके बादल बने हुए हैं, CO2 के बादल छाए हुए हैं इस पे। और जब CO2, हम क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या बताते हैं कि CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई तो क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। और ये CO2 बहुत ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना माना गया है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इतना टेम्परेचर है तो इस पर भी क्या है, लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए जिसपे सभी जीव सर्वाइव कर सके, जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी इजीली रह सके। तो शुक्र पे भी नहीं है। नेक्स्ट जो पृथ्वी आता है, इस पे तो हम रहते हैं पृथ्वी पे, तो मंगल के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि मंगल पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम देखते हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बृहस्पति शनि और ये दूसरे ग्रह, देखिए अब हम देखते हैं इन पे पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं है, इन पे क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इनके इन पे क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, मेथेन, NH4, इन अमोनिया, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, इन सब के बादल बने हुए हैं उसके ऊपर। ये सिचुएशन कैसी है, ये है तो जिस टाइम देखिए हमने जब सारी थ्योरीज पढ़ी हैं तो उस टाइम हमने क्या बताया पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ें थी, हाइड्रोजन भी थी, हीलियम, हीलियम तो बाद में है, हीलियम है, मेथेन, अमोनिया, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी। तो ये सिचुएशन लग तो ऐसी रही है जिस टाइम पृथ्वी का निर्माण हुआ उस तरह की लग रही है ये सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इनके बने बादल हैं, इनके बादल छाए हुए हैं, तो वहाँ पे लगता है इन गैसेस के बहस पे तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या होता है कि ये परिस्थितियाँ तो कैसी हैं, पृथ्वी के समान है। कौन सी पृथ्वी, जो शुरू में आदिकालीन, ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा है, वो बहुत ही कम है। वो कैसा है, देखिए इन पे बात करते हैं हम टेम्परेचर की, तो इनका ताप है -200 से -400 डिग्री फॉरेनहाइट। कितना है, -200 से -400 डिग्री फॉरेनहाइट। और जब देखें टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, और अगर टेम्परेचर कम है तो भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो इसीलिए इन ग्रहों पर क्या है, लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन से हट के देखे, बुध पे नहीं है, शुक्र पे नहीं है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन पे नहीं है, ठीक है। पृथ्वी का क्या है, उस पे तो हम रहते हैं, तो पृथ्वी के बारे में तो आपको कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस पे तो लाइफ बिल्कुल पॉसिबल है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ जो दूसरे ग्रह हैं उन पे कैसे कैसे लाइफ की पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में। तो देखिए बुध क्यों कैंसिल हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा है। शुक्र क्यों हुआ, CO2 ज़्यादा प्रेजेंट है। वहाँ पे जो बृहस्पति और शनि है ये है, इन पे क्या, इन पे मैथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इनके बादल हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है, सो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब ये तो चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट जो हम देखते हैं,
हम देखते हैं जो मंगल ग्रह है उस मंगल ग्रह पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है, तो वो किस बेस पे बताई जा रही है, कैसे बताई जा रही है, हम वो पढ़ते हैं। तो देखिए आपको ये इजीली समझ आ गया होगा, क्योंकि देखिए आपके यहाँ पर जैसे मान लो छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं तो डायरेक्ट जरूरी नहीं है आपसे डीपली पूछे, वो आपसे सीधा पूछ रहे कि आप इनके बेस पे सूरज के सबसे पास कौन सा ग्रह है, पूछ सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ठीक। तो ये बात है। अब देखिए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं, और हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन का मिशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए ये प्रोसेस हो गई है इन ग्रह की। अब देखते हैं कि जो मंगल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, वो क्यों बताई जा रही है, वहाँ की सिचुएशंस कैसी है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, वो उसी के ऊपर पृथ्वी की जीवन की संभावना क्यों बताई, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी रखता है अर्थ से, जो पृथ्वी है उसे कुछ ना कुछ समानता रखता है, इसी कारण से तो उसके ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी बनाई। तो हम वो देखते हैं कि वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, कैसी सिचुएशंस हैं, जिनके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, लाइफ पॉसिबल होगी। तो देखते हैं, मंगल ग्रह देखिए, ये जो मंगल ग्रह होता है इसकी जो परिस्थितियों की बात करें हम, यहाँ पे क्या होता है, बहुत तेज तो सर्दी होती है, कैसी कपकपे वाली सर्दी होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हवाएं बहुत ज्यादा चलती हैं, कैसी धूल भरी, बहुत तेज सर्दी पड़ती है, मतलब सर्दी होती तो है लेकिन ऐसी नहीं कि बहुत कम हो रही है, बिल्कुल कपकपा देने वाली सर्दी होती है, ठीक है, इतनी होती है। और जो धूल है उनसे भरी क्या चलती है, जिसे धूल के बाउंड्रीज को बोलते हैं, वो सब होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी भौगोलिक परिस्थितियों कि वहां की परिस्थितियां कैसी हैं। देखिए वहां की भौगोलिक स्थिति अच्छी है, वो अच्छी है, लेकिन वहां पे गर्मी सर्दी का अगर हम देखें तो गर्मी सर्दी कैसे होती है, देखिए गर्मी की बात अगर करें यहाँ पे हम, यानी गर्मी के अंदर अगर हम इनका टेम्परेचर देखें तो गर्मी में इनका ताप कितना होता है और सर्दी में कितना होता है, गर्मी में इनका ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, कहाँ पे, मंगल ग्रह पे, कितना रहता है 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब बात करते हैं सर्दी की तो सर्दी में 133 डिग्री सेंटीग्रेड से, सर्दी में कितना, -133 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, इससे क्या होता है, ताप इससे भी नीचे रहता है। तो ये तो गर्मी में तो कितना हो गया 30 से 50 के बीच में, और सर्दी -133 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ठीक है। तो ये इसकी जो कुछ सिचुएशंस हैं वो किससे मिल रही हैं, वो पृथ्वी के जैसे सिचुएशंस है, इसी कारण उसके ऊपर लाइफ का क्या बता रहे हैं, पॉसिबल बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे और क्या होता है कि ये जो मंगल ग्रह है इस पर जिसको हम पर्वत बोलते हैं, सौर परिवार का सबसे बड़ा पर्वत वो इसी मंगल ग्रह पे प्रेजेंट है। जीके का क्वेश्चन भी रेडी हो गया आपका, सौर परिवार का सबसे बड़ा पर्वत कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ मत पाया जाता है, कहाँ स्थित है, मंगल ग्रह पे है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बहुत सी जो जैसे घाटियां जिसको हम बोलते हैं वो भी है, और हम बात करते हैं यहाँ पे साल की, तो देखिए हमारे साल में 365 दिन होते हैं, यहाँ पे एक साल अपने पृथ्वी के कितने, पृथ्वी के 687 दिन के बराबर होता है, अपने तो ठीक है 365 दिन है, लेकिन इसका एक साल कैसे होता है पृथ्वी के 687 दिन के बराबर होता है। अब देखिए इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया, इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा
काम किए गए, तो उनमें क्या बताया गया कि सन 1960 में, सन 1960 में क्या किया गया, जो पहला यान था वो भेजा गया। तो वहाँ पे क्या पता चला कि वहाँ पे CO2 तो क्या है, बहुत ज़्यादा है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 0.13%। ये पॉसिबिलिटीज बताएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे है तो सही, प्रेजेंट है, पर कैसा है, पृथ्वी से कम। तो ये सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जिस पर कैसी पॉसिबिलिटीज है, जो किससे मेल खा रही है, जो पृथ्वी से मेल खा रही है। इसके अलावा देखिए एक और, 2014 में मंगल पर ग्रह भेजा गया जिसका क्या नाम है, मार्स ऑर्बिटल मिशन, ठीक है, ये भेजा गया। और ये ग्रह भेजा गया, इसी के बेस पे क्या हो गया, हमने ये भारत ने भेजा और ये पहला बहुत सफल रहा ये यान भी, वहाँ पे ये यान भेजा गया सक्सेसफुली और बहुत कम लागत में ही भेजा गया। और यान तो भेजा गया लेकिन ये काम क्या करेगा, ये वहाँ पे जाकर क्या क्या बताएगा, देखिए कि वहाँ पे मेथेन की सिचुएशंस कैसी है, गैसेस की जो सिचुएशंस है वो कैसी हैं उसके बारे में, इसके अलावा खनिज कैसे हैं, उसकी सतह का ताप कितना है, ठीक है, सतह का ताप कितना है। इसके अलावा देखिए जो हाइड्रोजन वगैरह है उनकी प्रेजेंस कैसी है, तो उन सब के बारे में ये ग्रह पता लगाएगा कि वहाँ पे उन सब की जांच करेगा कि उस पर, ठीक है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो पृथ्वी के समान है पर फिर भी उसके अंदर कहाँ डिफरेंस है, जो क्या कर रहे हैं वो सिचुएशंस पृथ्वी के जैसी हैं उसके अलग कहाँ पे, वहाँ पे बिल्कुल लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि अगर अर्थ पे आने वाले टाइम में अगर कभी पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल नहीं है तो दूसरे ग्रह पे क्या कर सके, अपना जीवन संभव कर सके, इसीलिए ये खोज की जा रही है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए हम देखते हैं पृथ्वी के सबसे पास में कौन है, पृथ्वी के सबसे पास में है चंद्रमा। अब इस पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज देखें हम तो वो कैसी हैं, वो कैसे, देखिए इस पे चंद्रमा पे क्या है, यहाँ पे ना तो पानी है, ठीक है, और ना वायुमंडल है, और जब पानी नहीं है वायुमंडल नहीं है तो लाइफ तो पॉसिबल होगी ही नहीं, तो इसलिए चंद्रमा पे भी नहीं है। लेकिन जो मंगल ग्रह है इसके सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं जो क्या है, पृथ्वी से मेल खाती है, इसीलिए सिर्फ मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना बताई जा रही है। इससे रिलेटेड ये दोनों चीज़ें कि ये 2014 पहला तो कब भेजा गया, 1960 में, और 2014 में जो सफल रहा हमारा भेजा गया यान अंतरिक्ष यान उसकी कक्षा में भेजा गया और पता लगाने के लिए कि वहाँ की सिचुएशंस कैसी हैं, ताप कैसा है, हाइड्रोजन की पोजीशन कैसी है, वहाँ पे ये जाएगा, ये बताएगा कि जो हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है, कहाँ से वो बन रही है, तो और सतह का ताप कितना है, वहाँ पे खनिज हर चीज़ की प्रेजेंस के बारे में ये पता लगाएगा। तो ये किसके बारे में था, ये सारे जो ग्रह के ऊपर लाइफ के क्या पॉसिबिलिटीज है और उन सभी ग्रहों के ऊपर क्यों नहीं है लाइफ पॉसिबल, ये है क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि आपके उनमें भी आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन के, पता नहीं लाइफ ऐसे कि पृथ्वी पे ही क्यों है, ठीक है, हम SS में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, 8 ग्रह होते हैं तो उन्हीं पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पे क्यों, वो इसलिए नहीं है। तब आपको इजीली समझ आ गया होगा कि दूसरे ग्रहों पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है और सिर्फ पृथ्वी पे ही क्यों है, क्योंकि पृथ्वी की जो सिचुएशंस है वो सभी जो जितने भी जीव हैं उन सबके अनुकूल है, जबकि इनकी जो सिचुएशंस है वो हमारे अनुकूल नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ वहाँ पे एब्सेंट है। हम यहाँ इसलिए सर्वाइव करवा रहे हैं क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ जो पृथ्वी की परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार एडजस्ट कर सकती हैं। तो ये था इन सारे ग्रहों के बारे में लाइफ पॉसिबिलिटीज से संबंधित, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता था आप इजीली कर सकते। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिसिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।